सो हेलो टू माई ऑल माई स्टूडेंट्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल SSR नर्सिंग क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन सिंह आज फिर एक और साइकेट्रिक की क्लास लेकर आया हूँ आपके पास। इसमें हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे साइकेट्रिक का, दैट इज़ ECT। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे व्हाट इज़ ECT। फुल फॉर्म ऑफ ECT इज इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। होता क्या है, एज ECT स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इट इंक्लूड्स टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो, अदर वन इज कन्वल्सिव थेरेपी। मीन्स थेरेपी, इलेक्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी और करंट। ओके, कन्वल्सिव मीन्स कन्वल्जन, लाइक फिट्स और सीजर वी कैन से। ओके, थेरेपी, सो वी कैन से इट्स अ थेरेपी इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज टू इंड्यूस द फिट्स और सीजर इन आवर ब्रेन, सो इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। सिंपल। थोड़ा हम इसका हिस्ट्री में जाते हैं। तो 1934 में क्या था, एक साइकेट्रिस्ट थे डॉक्टर लेडिस लॉन। आप नाम नोट कर सकते हैं, डॉक्टर लेडिस लॉन, जो इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि मेनली सीजोफ्रेनिक पेशेंट्स में, दोज हु आर हैविंग सीजोफ्रेनिया, इन विच इफ वी आर गिविंग एनी सब्सटेंस विच में इंड्यूस फिट्स इन दोज पेशेंट विल गेट रिड्यूस चांसेस ऑफ गेटिंग सीजोफ्रेनिया। जिनके अंदर सीजोफ्रेनिया हो रहा था, अगर उनके अंदर ऐसा कोई सब्सटेंस दें जिसमें कि फिट्स इंड्यूस हो, तो उनके सीजोफ्रेनिया कम हो रहा था बल्कि ठीक हो रहा था। तो उन्होंने उस टाइम पे एक थेरेपी यूज करी, फार्मेको कन्वल्सिव थेरेपी, इन विच इलेक्ट्रिक की जगह फार्मा वर्ड यूज, मीन्स कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस यूज करते थे जिसकी वजह से कन्वल्जन डेवलप होता था बॉडी के ब्रेन में, और उस थेरेपी को कहा फार्मेको कन्वल्सिव थेरेपी। ECT से पहले PCT यूज होता था, फार्माको कन्वल्सिव थेरेपी, जिसमें कैम्फर ऑयल यूज करते थे वो एज अ एपिलेप्टिक एजेंट, जो कि क्या करता था, कन्वल्जन डेवलप करता था बॉडी के अंदर और सिजोफ्रेनिया ट्रीट होता था। फर्दर के बाद इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते थे क्योंकि ये कैम्फर ऑयल को यूज करता था, इसके भी कुछ एडवर्स इफेक्ट थे हमारी बॉडी के ऊपर, दैट्स वाई दिस इज डिसकंटिन्यूड। देन इट गेट मॉडिफाइड इन टू बिनी एंड कार्लेटी, मॉडिफाइड इट इन टू द ECT इन 1938, इन विच ही यूज इलेक्ट्रिक करंट फॉर डेवलपिंग कन्वर्जन इन अवर ब्रेन, सो दैट द सीजोफ्रेनिया और मेंटल इलनेस कैन बी रिड्यूस, सो इट इज कॉल्ड एज ECT। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ECT। इन ECT वॉट हैपेंस, इलेक्ट्रोड आर यूज टू डेवलप और इंड्यूस ग्रैंड मल सीजर इन आवर ब्रेन, सो दैट इट विल रिड्यूस सीजोफ्रेनिया और एनी मेंटल इलनेस इन विच इट इज यूज। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बॉडी हमारी वर्क कैसे करती है, जब हमारे पास कोई इनर्जेटिक सब्सटेंस होता है, बॉडी हमारी एनर्जी होती है उसके यूटिलाइज करती है। सपोज हमारी बाइक होती है, उसमें जब तक तेल होता है तब तक वो वर्क करती है। तो कन्वल्जन जो होता है, हमने देखा होगा बॉडी बहुत जर्की मूवमेंट शो करती है, इसमें क्या होता है, ये बॉडी के कैटाबोलोमाइंस जो होते हैं उनको यूटिलाइज करता है ब्रेन, जिससे कि कन्वल्जन में यूज होता है वो, और वो उसका लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो मेन कंसेप्ट क्या था कि कन्वर्जन को इंड्यूस करने का, कि जो बॉडी में कैटाकोलामाइन जिनकी वजह से हमारे मेंटल इलनेस हो रही है, वो उनके ऑल्टर्ड लेवल की वजह से हो रही थी। तो बढ़ा हुआ लेवल कम करने के लिए बॉडी में क्या करते हैं, कन्वर्जन इंड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि जो बढ़ा हुआ कैटाकोलामाइन लेवल है वो कन्वर्जन में इन्वॉल्व हो जाएगा, जब वो नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर बाद, और अपने आप ही वो डिप्रेशन या फिर जो भी मेंटल इलनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये उनका में वैसे तो इडियोपैथी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बट हाइपोथेटिकली यही साइकेट्रिस्ट ने दिया है कि जो हमारा कैटेकोलोमेंस लेवल्स जो होता है ऑल्टर्ड हो जाता है, स्पेशली बढ़ जाता है मेंटल इलनेस में, वो सीजर्स के थ्रू हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं सीजर में, और वो लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से मेंटल इलनेस रिड्यूस हो जाती है। फिर आते हैं सीजर्स कौन से इंड्यूस करता है, ग्रैंड मल सीजर्स, जिसमें क्या होता है, दो फेज होता है, टोनिक और क्लोनिक। टोनिक का मतलब होता है हमारी बॉडी जो होती है स्टिफ हो जाती है, जकड़ जाती है। आपने कभी सीजर आपके सामने अगर पेशेंट को पड़ रहा हो आपने देखा होगा, बिल्कुल जकड़ जाता है वो, लास्ट होती है 10 to 15 seconds के लिए। उसके बाद फेज आता है क्लोनिक, वो 30 seconds के लिए रहता है। तो ECT में क्या होता है, बेसिकली करेंट ऑफ वोल्टेज ऑफ 70 to 110 volt इज अप्लाइड टू इंड्यूस द ग्रैंड मल सीजर इन आवर ब्रेन, एंड इट विल लास्ट फॉर 30 to 60 seconds, इन विच टोनिक एंड क्लोनिक फेज आर देयर। 10 to 15 seconds टोनिक फेज कंटिन्यूज, एंड देन आफ्टर दैट क्लोनिक फेज कंटिन्यूज फॉर 30 seconds। आफ्टर दैट देर आर टाइप्स ऑफ ECT ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। यूनिलेटरल आप नाम से समझ गए होंगे, एक तरफ, और बाइलेटरल दोनों तरफ। अब इलेक्ट्रोड प्लेस कहाँ पे करते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, वो एक मूवी है उसमें अजय देवगन के लगा देते, वैसे नहीं करते हैं, मार रिंग जैसा सर में लाद दिया, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि ट्रेजर्स ऑफ ईयर, मैं आपको एक ईयर ड्रॉप, मेरी ड्राइंग खराब है उसको नोटिस मत करिए,
ये ट्रेस ऑफ ईयर रहा, ये आउटर कैंथस ऑफ आई रहा। इसको जो लाइन ज्वाइन करती है इसके मिड पॉइंट से अब 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते दोनों तरफ। ये तो हो गया आपका बाइलेटरल। और यूनिलेटरल में क्या होता है, लेटरल टू द वर्टेक्स प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रोड। फिर आता है मेथड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, कहते हैं डायरेक्ट बात है सीधी साधी, तो उसमें कुछ भी एजेंट यूज नहीं करते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, मसल रिलैक्सेंट देते हैं ईसीटी से पहले, और आपका एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, और एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन मस्ट बी गिविन आफ्टर 30 मिनट, बिफोर 30 मिनट्स ऑफ गिविंग ईसीटी। ऐसा नहीं आप बाद में दे देंगे, आप पहले ही देंगे। एट्रोपिन इसलिए देते हैं कि हार्ट बीट वगैरह अगर स्लो डाउन हो तो उसको कवर कर ले। तो हम मसल उसमें एनेस्थेटिक एजेंट में देते हैं थियोपेंटोन सोडियम 3-5 mg पर kg बॉडी वेट, और मसल रिलैक्सेंट में देते हैं हम सक्सिनाइल एस्कोलिन। तो सक्सिनाइल एस्कोलिन देते हैं 1 mg पर kg बॉडी वेट। हम मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थेटिक एजेंट IV देते हैं, बट एट्रोपिन हमेशा सबक्यूटेनियस देते हैं 30 मिनट्स बिफोर ECT। तो ये तो रहा आपका मेथड। अब इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ICP अगर बढ़ा हो, इंटरक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हो, तो हम ECT नहीं दे सकते कुछ भी हो। हाइपरफेनिक सीजोफ्रेनिया में नहीं देते हैं, और रिएक्टिव डिप्रेशन में नहीं देते हैं। देते किस में, सीजोफ्रेनिया में, डिप्रेशन में, मैनिया में, जो भी मेनली ज़्यादा मेंटल इलनेस में हम ECT यूज़ करते हैं, बट कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है। इसके बाद में हम आ जाते हैं आपके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। इसमें सबसे पहले पेशेंट की सहमति होना बहुत जरूरी है। पेशेंट को मैं प्रॉपरली बताना है, वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द पेशेंट, और इफ पेशेंट इज माइनर वी हैव टू टेक पेशेंट एडमिशन परमिशन फ्रॉम द गार्जियंस ऑफ द पेशेंट दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म ECT विद द पेशेंट शैल वी गो। इफ दे आर नॉट रेडी विद ECT वी आर नॉट सपोज टू डू द ECT विद द पेशेंट। रीजन इज दैट इट मे कॉज एनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन टू द पेशेंट ऑल्सो। बेसिकली ये ECT है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरफ से। ECT क्या था, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, कन्वल्सन हम इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के जो कैटेकोलामाइंस लेवल बड़ा होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और मेंटल इलनेस कम हो जाती है। इसको 1938 में विनी एंड कार्लेटी ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें ग्रैंड मल सीजर इंड्यूस करते हैं, टोनिक और क्लोनिक फेज दो होते हैं। ग्रैंड मल सीजर में टोनिक फेज रहता है 10-15 सेकंड, और क्लोनिक फेज रहता है 30-35 सेकंड्स के लिए। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग दो टाइप की होती है, यूनिलेटरल बाइलेटरल। अगर एक तरफ इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं उसको हम यूनिलेटरल बोलते हैं। वी आर प्लेसिंग इलेक्ट्रोड ऑन बोथ द साइड देन इट इज कॉल्ड बाइलेटरल, एंड इलेक्ट्रोड इज प्लेस इन बाइलेटरल कंडीशन इट इज प्लेस्ड एट ट्रेजेस ऑफ ईयर एंड आउटर कैंथस ऑफ आई। द लाइन ज्वाइनिंग द ईयर ईयर आउटर ईयर कैंथस एंड सॉरी ट्रेजेस ऑफ द ईयर एंड आउटर ईयर कैंथस ऑफ द आई एंड द मिड पॉइंट इज ड्रॉन एंड अबव द 4 सेंटीमीटर ऑफ दैट मिड पॉइंट इलेक्ट्रोड इज प्लेस इन बाइलेटरल कंडीशन। एंड इन यूनिलेटरल कंडीशन इलेक्ट्रोड इज प्लेस एट द लेटरल ऑफ द वर्टेक्स। मेथड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड इट इज ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वी आर नॉट सपोज टू गिव एनी मेडिकेशन बिफोर द ECT, बट इन इनडायरेक्ट वी हैव टू गिव द मसल रिलैक्सेंट, एनेस्थेटिक्स एंड एज वेल एज एट्रोपिन ऑल्सो। इन एनेस्थेटिक वी यूज थियोपेंटोन सोडियम, इन मसल रिलैक्सेंट वी यूज सक्सिनाइल एस्कोलिन, एंड एट्रोपिन वी यूज फॉर द मेंटेनिंग द कार्डियक फंक्शन। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंक्रीज ICP, हाइपरप्रेनिक सीजोफ्रेनिया, रिएक्टिव डिप्रेशन, एंड इंडिकेटेड इन ऑल द टाइप ऑफ मोस्ट ऑफ द मेंटल इलनेस, मेनली इन डिप्रेशन, मैनिया एंड सीजोफ्रेनिया। This is all about the ECT and role of nurse. Main role of nurse is to make the patient comfortable before giving ECT, properly educate them, but they are mentally ill, so they are not supposed to get well knowledge about the mental illness or any ECT. So we have to provide information to their guardians also and take permission from that if patient is minor. If patient is able to take their decision by themselves, then we have to take the patient from the patient also. That's all about the ECT. Thank you.